बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो है पित्ते में बनने वाली पथरी। ये पथरी क्यों बनती है और उसकी अहम वजूहत क्या है और इसकी अहम अलामत क्या हैं, किस वजह से बनती है इसके बारे में है, और इसकी जो बेहतरीन मेडिसन है उसके बारे में है। जो लोग पित्ते का ऑपरेशन करवाते हैं या उनकी दर्द नहीं रुकती या उनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होते हैं और वो ऑपरेट करवाते हैं, तो उनको पहले चाहिए कि एक बार आप होम्योपैथ मेडिसन ज़रूर इस्तेमाल करें, ऑपरेशन से बचें। अगर फिर भी ना मसला हल हो तो फिर बाद में आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन एक बार आप ये मेडिसन ज़रूर आजमाएं। इंशाल्लाह आपके पित्ते की पथरी खारिज हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जी व्यूज़, मैं डॉक्टर खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली होम्यो क्लिनिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों तक बआसानी तौर पर पहुँचती रहे। जी तो पित्ता जो होता है वो एक 6 इंच लंबा तकरीबन एक तिलीनुमा अज़ा होता है जो जिगर के निचले हिस्से में पाया जाता है। जी तो ये जो पित्ता होता है इससे जिगर से खारिज होने वाले सुफरा को खाने के दौरान ज़खायर करता रहता है और खाना खाने के दरमियान और खाना खाने के बाद ये इस ज़खायर को खारिज कर देता है और खारिज करके छोटी नाली में भेज देता है और खाना हज़म करने में बहुत ही ज़्यादा मदद देता है। और ये जो पित्ता होता है ये गैर ज़रूरी चिकनाई को भी अपने अंदर जज़ब कर लेता है और ये जो खुराक या जो चिकनाई जज़ब करता है उसमें बाद में ये छोटे छोटे ज़रात बन जाते हैं, पथरी के जो बन जाते हैं, और ये जो ज़रात बनते हैं ये पथरी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं जिसकी वजह से पित्ते में बहुत ही ज़्यादा शदीद दर्द होता है। जी तो अब हम आपको बताते चले कि पित्ते में पथरी दो तरह की होती है। एक गॉल स्टोन पथरी होती है जिसमें पहले नंबर पर है कैस्ट्रोल गॉल स्टोन पथरी, जो ये आती है, ये जो पथरी होती है ये कैस्ट्रोल से बनती है। जो दूसरी होती है वो पिगमेंटेशन गॉल स्टोन के नाम से जानी जाती है। जी दोस्तों, जो जो पथरी बनती है जो कैस्ट्रोल के जमा होने से बन जाती है। जब ये कैस्ट्रोल बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो इससे छोटे छोटे पथरी के ज़रात बन जाते हैं और फिर जाकर ये बहुत बड़ी पथरी या गॉल स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जो दूसरी है पिगमेंट गॉल स्टोन, ये जो पथरी होती है ये खुराक के जमा होने से बन जाती है। जी व्यूज, अब चलते हैं इसकी मेडिसन की तरफ। मेडिसन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है, जो बेहतरीन मेडिसन है, जो बहुत ही अच्छा पथरी में काम करती है, पित्ते की पथरी में, उसके लिए हम आज आप लोगों को बताएंगे जो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रखती है, बहुत ही अच्छा काम करेगी। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर आजमाइएगा एक बार। इसकी जो पहली मेडिसन बनती है वह क्लिस्ट्रिडियम 3x टेबलेट होती हैं। ये टेबलेट की शक्ल में होती हैं। इसका जो तरीका इस्तेमाल है, दो दो गोलियां सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप लोगों में जो पथरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसकी जो दूसरी मेडिसन है वो है क्योट्रेस जो मेडिसन है वो भी आपने इस्तेमाल करनी है। इसके आपने 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं। इसकी जो तीसरी मेडिसन है वो है बारबेरस जो मेडिसन है, अगर पित्ते में बहुत ज़्यादा गॉल्स जमा हो जाएँ तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट रखती है। और जो मेडिसन है वो है च्यूनेटस भी है, आपने 30 में इस्तेमाल करनी है। ये भी बहुत अच्छा काम करती है, पित्ते की पथरी में बहुत अच्छा रिजल्ट रखती है। इसके साथ साथ आप लोग जो है क्यूड्रेस और ज्यूटनेस को जो आप लोग हैं वो आप लोग मदर टेंक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक साथ इस्तेमाल करना है, 5 कतरे इसके और 5 दोनों मेडिसिन के इस्तेमाल एक साथ इस्तेमाल करने हैं, तो जिसके इस्तेमाल से आप लोगों में जो पथरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो टूट कर निकल जाएगी। इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट रखती है, बहुत अच्छा काम करती है। जी व्यूज, अगर आपके पित्ते में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है तो उसके लिए आपको जो मेडिसन बताएंगे वो आपने इन तीनों मिक्स करके इस्तेमाल करने हैं, इससे दर्द बहुत जल्द कम हो जाता है। जी तो आपने पहले सल्फर, बेलाडोना और वो नेक्स्ट वाम जो तीनों 30 में इस्तेमाल करनी है, इन तीनों के 5-5 ड्राप सुबह दोपहर शाम मिक्स करके इस्तेमाल करने हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों में जो शदीद दर्द हो रही है तो वो भी कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दर्द भी साथ साथ ये पथरी को भी गाल कर बाहर निकालते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है और बहुत ही बेहतरीन सुकून मिलता है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसके साथ साथ आप लोगों ने साग, टमाटर और चावल से परहेज़ रखना है। ये परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही जल्द बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ आप लोग हमें दवाओं में ज़रूर याद रखिएगा और ये जो मेडिसन है ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रखती है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और साथ साथ में हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।